अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद हैं, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए और ये वीडियो आपको BMC BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, उर्दू बाल भारती पाँचवीं जमात के लिए मीडियम उर्दू मज़मून उर्दू जमात पंजुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 18, एक नज़्म है, कदम बढ़ाओ दोस्तों। मैं हूं आपका मौलिम शम्स तबरेज। चलिए ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हम हमारे सबक की तरफ। और आज का जो हम सबक पढ़ने वाले हैं, नज़्म जो पढ़ने वाले हैं कदम बढ़ाओ दोस्तों, उसके शायर है बशर नवाज। इन्होंने ये नज़्म लिखी है, ये इसके शायर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नज़्म की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम नज़्म पढ़ने वाले हैं कदम बढ़ाओ दोस्तों, जिसे लिखा है बशर नवाज़ ने। बशर नवाज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनकी पैदाइश हुई 18 अगस्त 1935 और इनकी वफ़ात भी हो चुकी है, वफ़ात है इनकी 9 जुलाई 2015। बशर नवाज़ उर्दू के एक अहम शायर है। उनका ताल्लुक औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। रायगा और अजनबी समंदर इनके शायरी मजमूए हैं। किसके? बशर नवाज़, जो के कदम बढ़ाओ दोस्तों के शायर हैं। तो इनकी पैदाइश हुई थी 18 अगस्त 1935 में और इनकी वफ़ात हुई 9 जुलाई 2015 में। बशर नवाज़ उर्दू के मशहूर शायरों में से एक है, है ना। उनका ताल्लुक़ कहाँ से था? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है ना। औरंगाबाद देखे ना आप लोगों ने, सुने होंगे ना, हाँ वेरी गुड। तो रायगा और अजनबी समंदर ये इनके शायरी मजमुआ, यानी इनकी ये किताबें हैं, शायरी मजमुआ है इसके अंदर। काय के अंदर? रायगा और अजनबी समंदर, किसके? बशर नवाज़ साहब की। अब देखते हैं आगे कि इस नज़्म में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। ज़ैल की नज़्म में बशर नवाज़ ने बच्चों को मुसलसल अच्छे काम करते रहने की तरगीब दी है। बशर नवाज़ साहब ने क्या किया है? हाँ, अच्छे काम करते रहने की तरगीब दी है, बताया कि हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, है ना, कदम बढ़ाओ दोस्तों, और मुश्किलों से ना घबराकर आगे बढ़ने का हौसला दिया है इस नज़्म के ज़रिए बशर नवाज़ साहब ने, है ना। मुसलसल अच्छे काम करते रहना चाहिए और मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और हौसला
खोना नहीं चाहिए, बल्कि हौसला हमेशा कायम रखना चाहिए और हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर देखना नहीं है। बड़े ही तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुश्किलें आए, परेशानी आए, उनका सामना करो, डट कर सामना करो, प्रॉब्लम को फेस करो, उसको सॉल्व करो और फिर आगे बढ़ो, है ना? ऐसे ही होता है ना, प्रॉब्लम आती है तो हम उसको लेकर बैठ जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, बल्कि उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर के अंदर पानी नहीं आ रहा है या बिजली नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं क्या? नहीं, बल्कि क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं, पानी वाले को कॉल करते हैं, बिजली वाले को कॉल करते हैं, कुछ फ्यूज़ उड़ गया है या कहीं पर वायर ख़राब हो गया है तो उसको बदली करने की कोशिश करते हैं हम, है ना? तो मुश्किलें तो आएंगी, उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ये बताया है इसमें बशर नवाज़ साहब ने। समझ में आया आपके? चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों, जिसे लिखा है बशर नवाज़ ने। पहले मैं पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे हम समझेंगे भी, ओके? कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिले बुला रही है दूर से, चलो कि हमको मंजिले बुला रही हैं दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिले बुला रही है दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। क्या कह रहे शायर आप? कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जैसे रैली निकलती है ना, हम कैसे बोलते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, है ना? चलो कि हमको मंजिले बुला रही है दूर से। हाँ, हमारी जो मंजिल है, जहाँ हमें पहुँचना है, जिस सफ़र पर हम निकले हैं, उस सफ़र पर हमें पहुँचना है, वो मंजिल हमें बुला रही है। आप अभी 5वीं जमात में हैं, बराबर ना? आपकी मंजिल क्या है? 5वीं जमात को पास करना और फिर अगली क्लास में जाना, ये आपका इस साल का टारगेट है। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप 5वीं जमात में हैं, आपका टारगेट क्या है, आपकी मंजिल क्या है? 5वीं जमात को पास करके अगले जमात में जाना, 6ठी जमात में जाना, बराबर ना? हाँ, इसी तरह कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी है, तो उससे हमें घबराना नहीं है, उसके हमें पार करना है, है ना? कहते हैं ना कि हर रात के बाद क्या होता है, सवेरा होता है। रात कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी हो, तो सुबह सूरज निकलता ही है और अंधेरे को दूर भगाकर उजाला कर देता है। इसी तरह मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, लेकिन उसका सामना हमें करना है, उसे फेस करना है, उसे सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। चलो कि हमको मंजिलें बुला रही है दूर से, दूर से हमें आवाज़ दे रही है, आ जाओ आ जाओ, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। अब नूर से धुले हुए के क्या मतलब है? रास्तों पर क्या है? रोशनी फैली हुई। हाँ, अंधेरा नहीं है आपके। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें कि आप 5वीं जमात में हैं, है ना? 5वीं जमात में अगर मान लीजिए आपके पास किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, आपका स्कूल में दाखिला नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, कोई भी सामान आपके पास मौजूद नहीं है, फिर भी क्या करना है आपको? मंजिल तक जाना है। तो ऐसे वक्त में हम कह सकते हैं कि आप अंधेरे में हैं, लेकिन आप अंधेरे में हैं क्या? नहीं, बल्कि क्या है, आप उजाले में है, रोशनी में है। कैसे? आपके पास किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेन है, पेंसिल्स है, स्कूल में आपका एडमिशन है, आपको पढ़ाने के लिए टीचर भी है। ये एक मिसाल के तौर पर, चलो के रास्ते धुले हुए नूर से, यानी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद है, रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते नूर से भरे हुए हैं, रोशनी से चारों तरफ फैले हुए हैं, रोशनी ही रोशनी है, मंजिल आपको बुला रही है। आपको क्या करना है? सिर्फ चलना है, आगे बढ़ना है अपनी मंजिल की तरफ, है ना? क्या करना है आपको? अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। आपको मंजिलें बुला रही है, रास्तों पर रोशनी फैली हुई, बस कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों और आगे
बढ़ो। समझ में आ रहा है कि हमेशा क्या करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, कोई भी एक चीज़ को लेकर बैठ नहीं जाना है। किसी के पैर में फ्रैक्चर आ जाता है तो क्या करता है वो, है ना, मुश्किल आई है ना, किसी का पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको प्लास्टर लगाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमें आराम करने के लिए बोलता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन इस तरह का आराम करने के लिए बोलता है। फिर आराम करते हैं, फिर हमारा पैर ठीक हो जाता है, तो फिर हम वापस काम पर, स्कूल में लग जाते हैं, बराबर ना। अगर हम ये बैठ के लेकर के, नहीं अब तो मेरा पैर टूट गया है, मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हमको डॉक्टर के पास जाकर फौरन उसका इलाज कर उसे दूर करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कोई भी चीज़ को लेकर बैठना नहीं चाहिए कि नहीं अब ये अब नहीं हो सकती, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, हर चीज़ क्या है, मुमकिन है, बस मेहनत करने वाला चाहिए और कोशिश करने वाला चाहिए। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही है दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। समझ में आ गया आपके, चलिए ये शेर समझ में आ गया होगा, चलिए बढ़ते आगे। आप चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में, वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में, वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। चमन, चमन मतलब बाग, गुलिस्ता, चमन खुला खुला सा है, उफक, उफक का मतलब होता है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, उफक धुला धुला सा है। समझ में आ रहा है आपके, चमन यानी गुलिस्तान, बाग क्या है, खुला खुला सा है, उफक जहाँ ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान मिल रहे, उसे कहते हैं उफक। उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में, दिए समझते ना, हाँ वतन का नौ सिंगार है, नौ सिंगार मतलब नई सजावट है, नई नई बहार है। चलिए इसका मतलब समझते हैं, चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है। चमन खुला खुला सा है मतलब जो हमारा देश है, इसे क्या कह रहे हैं, बशर नवाज, चमन हमारा गुलिस्तान है, खुला खुला सा है, कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं। उफक धुला धुला सा है, जहाँ पर ज़मीन आसमान मिलते हैं ऐसा लगता है। धुला धुला सा मतलब क्या, उसे पानी से धोया गया है कि नहीं, बल्कि सूरज की किरणें इस तरह उस पर पड़ती है जैसे ऐसा लगता है कि वो अभी अभी, जैसे धोने के बाद कैसे चमकता है, बर्तन चमकते हैं, हमारी फर्श चमकती है, कपड़े चमकते हैं, उसी तरह वो भी चमकता है, ऐसा लगता है कि धुला धुला सा है। दिए जलाओ राह में, राह में दिए जलाना मतलब क्या है, हाँ दिए जलाना मतलब हेल्प करना, किसी की मदद करना, दिए जलाओ राह में, है ना, रात से, रात में हम गुज़रते हैं किसी रास्ते से, अगर वहाँ पर लाइट लगी है तो हमें वहाँ से गुज़रने में, वहाँ से जाने में कोई झिझक, कोई डर महसूस नहीं होगा, बराबर ना। अगर वहीं पर क्या है, लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, तो हम उस रास्ते से जल्दी नहीं जा पाएंगे, बराबर ना, क्यों, क्योंकि हमें अंधेरे से क्या होता है, डर लगता है, बराबर ना, कोई जाता है कि गहरे अंधेरे में, नहीं। उसी तरह मतलब है कि जब कोई मदद आपसे चाह रहा है या किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, मदद करेंगे तो उसका सफ़र क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमने मदद की, इसका मतलब ये है कि हमने उसके राह में दिए जलाए, वतन का नौ सिंगार है, वतन का नौ सिंगार है, वतन का नई सजावट है, वतन के लिए भी दिए जलाओ, वतन को भी रोशन करो। अब दिए जलाने से मतलब क्या है, वतन के लिए, वतन का नौ सिंगार है मतलब वतन जो है हमारा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और हम उसमें क्या है, हम उसमें हिस्सेदार है, हम तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा देश भी क्या करेगा, तरक्की करेगा, तो हमारी तरक्की से वतन का क्या है, नौ सिंगार है, नई नई बहार है। बहार आती है ना, पेड़ों पर, गार्डन में, जंगलों में बाहर आती है, बाहर का मतलब होता है कि नए नए पत्ते खिलते हैं, नए नए कलियाँ लगती है, नए नए फूल लगते हैं,
उससे पहले पतझड़ होता है, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, और उसके बाद फिर बहार का मौसम आता है। बहार का जब मौसम आता है तो इस तरह फूल नए पत्ते सारी चीज़ें नई नई हो जाती है। इसी तरह हमारे वतन को भी नौ सिंगार करना है, नए तरीके से सजाना है, नई नई बहार हमारे वतन में लेकर आना है, वतन को और सजाना है, वतन में नई बहार लेकर आना है। हमारा चमन खुला खुला है, ऊपर धुला धुला है, बस हमें क्या करना है, रास्ते में दिए जलाना है, वतन को और सजाना है, ऐसा लेकर आना है जैसे नई नई बहार हमारे वतन में आ रही है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, बस क्या करना है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है, हमारे लिए, खुद के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे शहर के लिए, क्या करना है, हमें बस आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, करवाना है ना। इस तरह हमको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में, वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। समझ में आ गया आपकी, वेरी गुड, चलिए बढ़ते आगे। सफर की इब्तिदा है ये, अभी रुको ना राह में, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको ना राह में, पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। सफ़र की इब्तिदा है ये, इब्तिदा मतलब शुरुआत, अभी रुको ना राह में, राह मतलब रास्ता, पहाड़ हो के गार हो, पहाड़ आपको समझता है, गार भी आपको समझती है ना, न लाओ तुम निगाह में, निगाह में ना लाना मतलब उसकी परवाह ना करना। क्या कह रहे शाह बशर नवाज साहब कि अभी तो ये सफ़र की इब्तिदा है, मतलब आपका भी क्या है, छोटे बच्चे हैं, है ना, अभी आप बच्चे हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हैं, अभी आपके सफ़र की इब्तिदा है, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, अभी रुको ना राह में, हाँ अभी रास्ते में आपको नहीं रुकना है, आगे ही बढ़ते जाना है ना। अभी आप रुक गए तो क्या होगा, पाँचवीं में भी रहेंगे आप, है ना, सिक्स में भी तो जाएंगे नहीं, सेवन में भी जाएंगे नहीं, टेंथ में भी नहीं जाएंगे, यानी आप पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे बल्कि अनपढ़ कहलाएंगे, अभी आप रुक गए तो। इसी तरह कोई भी काम हम शुरू कर रहे तो शुरू में क्या होती है, उसकी इब्तिदा ही होती है। कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट हम बना रहे हैं, या कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, तो स्टार्ट में क्या होती है, उसकी शुरुआत ही होती है, स्टार्ट होता है, हर काम की शुरुआत होती है, हर काम का अख्तिताम होता है, ख़त्म होता है, कोई काम शुरू करता है तो ख़त्म भी होता है, कोई अधूरा रह जाता है। हाँ अभी रुको ना राह में, हाँ अगर राह में आप रुक गए, जो काम आपने हाथ में लिया है वो काम पूरा नहीं करते तो वो अधूरा रह जाता है। अभी रुको ना राह में, राह में आप रुक गए तो वो काम क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। कैसे रुकना नहीं है आपको, पहाड़ हो कि गार हो, कितना भी आप सफ़र कर रहे हैं, कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, कितनी भी बड़ी गार आ जाए, कितनी भी गहरी खाई आ जाए, ना लाओ तुम निगाह में, उसकी परवाह ना करो, बस क्या करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई भी सफ़र हो, चाहे आप सच में सफ़र कर रहे हो या फिर कोई काम आप कर रहे हो, पहाड़ हो या गार, गार यहाँ पे एग्जांपल दी गई पहाड़ की और गार की, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर मुश्किलें आएगी, पहाड़ जैसी मुश्किलें आएगी, गार जैसी मुश्किलें आएगी, बड़ी गहरी खाई जैसी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, लेकिन तुम उसकी परवाह ना करो, बल्कि क्या करो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये सफ़र की इब्तिदा है। जैसे आप फिफ्थ जमात में हैं, आपको मराठी पढ़ती नहीं आती है या फिर उर्दू सही तरीके से पढ़ते नहीं आती है, तो सफ़र की इब्तिदा है। पढ़ना नहीं आना ही आपके सामने एक पहाड़ जैसा है, एक गार जैसा है, लेकिन तुम उसकी परवाह ना करो, बल्कि कोशिश करो, मेहनत करो, आपको ज़रूर पढ़ते आएगा, किसी और को पढ़ते आ रहा है मतलब आपको भी पढ़ते आना ही चाहिए, क्या करना चाहिए, सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मेहनत और कोशिश करेंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेंगी और आप एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। आप पढ़ते नहीं आ रहा है आपको कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक दिन, एक महीना, दो महीना, पाँच महीना आपको पढ़ने ज़रूर आएगा, कब, जब आप मेहनत करेंगे। तो सफ़र की इब्तिदा है, अभी ना रुको राह में, कोई भी सफ़र कर रहे हो, कोई भी हम काम कर रहे हो, उसकी इब्तिदा हो गई है, अब राह में रुकना नहीं है, चाहे सामने पहाड़ आए चाहे गार आए, तुम उसकी परवाह ना करो, बस आगे बढ़ते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ, मुश्किलों का सामना करो और आगे
बढ़ते जाओ, है ना। हम सफ़र पे निकलते हैं, रास्ते में बड़ी खंदक आ जाती है, बड़ा पहाड़ आ जाता है, तब बोलते हैं हम नहीं बस सफ़र यहीं पर ख़त्म। तो सफ़र को मुकम्मल कर पाते हैं कि हम नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, पहाड़ पर भी चढ़ जाना चाहिए ताकि हम हमारी मंजिल तक पहुँचे। मंजिलें क्या कर रही है, हमें बुला रही है। पहले शेर में हमने देखे ना, तो समझ में आया आपकी, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी ना रुको राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में। समझ में आ गया होगा आपको, चलिए बढ़ते आगे। रोश पुरानी छोड़ कर, कदम कदम से जोड़ कर, चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। रोश का मतलब होता है तरीका, रास्ता। रोश पुरानी छोड़कर, यानी पुराना तरीका छोड़कर, कदम कदम से जोड़कर, चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। वक्त क्या कर रहा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे पहले मंजिलें हमें बुला रही थी, उसी तरह वक्त भी हमारा इंतज़ार कर रहा है कि ये वक्त है, आप लोग आएंगे और ये काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर वो वक्त चला गया तो फिर वक्त दोबारा आपके हाथ में नहीं आता। जैसे आप अगर बोले कि अभी मुझे फोर्थ स्टैंडर्ड का होमवर्क करना है, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो वक्त चला गया। अभी कहाँ पर है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, पाँचवीं जमात में है। हाँ, पुराने तरीके छोड़ दो, कदम कदम से जुड़ाओ, आगे बढ़ते जाओ, वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है, बस क्या करना है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों और आगे बढ़ते जाओ। क्या करना है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है, किसी के लिए रुकना नहीं है। समझ में आया आपके, चलिए बढ़ते आगे। कहो वतन की खाक ही को गुलस्ता बनाएंगे, कहो वतन की खाक ही को गुलस्ता बनाएंगे, रोश रोश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। क्या ये वतन हमारा, गुलस्ता है ये वतन हमारा, क्या है, इसकी खाक को हम गुलस्ता बनाएंगे, इसकी मिट्टी को हम गार्डन से भर देंगे, गुलिस्ता बना दे देंगे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। इसका क्या मतलब है, हाँ, वतन की खाक को हम गुलिस्ता बनाएंगे। गुलिस्ता बनाने से मतलब ये है कि हम हमारे मुल्क को और तरक्की पर लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप जगह जगह गार्डन बनाओ, बल्कि बशर नवाज़ साहब इसके ज़रिए हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे वतन को और तरक्की पे ले जाएंगे, वतन का नाम रोशन करेंगे, वतन को चमकाएंगे, रोश रोश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। कहकशा देखिए ना आप लोगों ने, हाँ, कहकशा कैसी चमकदार होती है, उस तरह इसको क्या करेंगे, हम चमका देंगे हमारे वतन को, हमारा वतन का नाम चारों तरफ रोशन करेंगे हम। कहो वतन की, कहो कहो वतन की खाक ही को गुलिस्ता बनाएंगे, वतन की खाक ही को गुलिस्ता बनाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं वतन में और बाहर जाकर नौकरी करते हैं दूसरे देश में। नहीं, बल्कि यहीं हमको करना है और यहीं पर हमें नौकरी भी करना है और यहीं पर हमें खिदमत अंजाम देना है। इसके चमन को हम क्या करेंगे, कहकशा बनाएंगे, चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाएगी, इस तरह हम हमारे वतन को बनाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। कली कली निखार की जलाओ दीप प्यार के, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हम खुद अपने गुलिस्ता पे आज इख्तियार है, हमें खुद अपने गुलिस्ता पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, कली कली निखार देना है हमें हमारे देश के, हमारे देश को और निखारना है, साफ़ सुथरा रखना है, रोशन करना है, इसका नाम रोशन करना है, अपने देश को तरक्की पर लेकर जाना है, आगे बढ़ाना है। कैसे, प्यार के दीप जलाकर, आपस में मोहब्बत से, आपस में भाईचारे से, झगड़ा फसाद ना करते हुए हम ये काम अंजाम देंगे। जलाओ दीप प्यार के, चारों तरफ हमें क्या करना है, भाईचारा फैलाना है, लोग आपस में क्या करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को एहतराम करें,
एक दूसरे से अच्छे से बात करें, झगड़े फसाद ना करें, ये हम कोशिश करेंगे। हमें खुद अपने गुलिस्ता पे आज इख्तियार है, हमें हमारे गुलिस्ता पर आज खुद इख्तियार है। हम जो चाहे उस तरह कर सकते हैं, हमारे गुलिस्ता को उस तरह बना सकते हैं। हम चाहे तो हम उसको कांटेदार बना सकते हैं, झगड़ा फसाद कर सकते हैं, चारों तरफ हंगामा ही हंगामा बरपा कर सकते हैं, या फिर हम उसको कली कली निखार सकते हैं और प्यार के दीप जला सकते हैं। इस तरह हम हमारे गुलिस्ता को बना सकते हैं। हमारे गुलिस्ता मतलब हमारा देश, हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी को इस तरह हम बना सकते हैं। नई नई बहार है, नई नई बहार, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, रुकना नहीं है, डरना नहीं, आगे क्या करना है, बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं है, बराबर ना। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, समझ में आ गया आपके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से नज़म हम रवानी के साथ पढ़ लेते हैं। तैयार है ना आप लोग? ओके, चलिए। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिले बुला रही है दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, चमन खुला खुला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में, रोश पुरानी छोड़कर कदम कदम से जोड़कर चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्ता बनाएंगे, रोश रोश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलिस्ता पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अब हम इसके अल्फाज और मान है। रास्ते धुले हुए नूर से, रास्तों पर रोशनी फैली हुई है, उफक जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, नौ सिंगार नई सजावट, निगाह में ना लाना परवाह ना करना, रोश तरीका रास्ता, खाक को गुलिस्ता बनाएंगे, वतन को सजाएंगे, तरक्की करेंगे, कहकशां रात के वक्त आसमान में दिखाई देने वाला तारों का दुधिया पट्टा, दीप चिराग इख्तियार काबू हक। तो बच्चों आज की हमारी ये नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये नज़्म समझ में आई होगी और आपने इसे अच्छे से समझा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।